ओके गाइस, हेयर फॉल स्टॉप करने वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा हेयर ऑयल हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करने और हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को जाकर चेकआउट करो। तो आज हम बात करेंगे कि हेयर ऑयल का एक्चुअल काम क्या होता है और आपको अपने हेयर टाइप के हिसाब से कौन सा हेयर ऑयल लेना चाहिए, और एंड में मैं रिकमेंड करूँगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और जो मुझे लगता है कि वो सही है क्योंकि वो केमिकल फ्री है और आपके लिए सही हो सकता है। एक अच्छा हेयर ऑयल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने हेयर टाइप या स्कैल्प के हिसाब से सही हेयर ऑयल नहीं ले रहे हो तो पहली चीज़ कि वो काम ही नहीं करेगा, और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो हमारी बॉडी नेचुरल ऑयल बनाती है जिसे सीवम कहते हैं वो उसके प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हेयर ऑयल को लेकर। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो फिर आपको कभी हेयर ऑयल को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और ख़रीदने से पहले दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हाय, मैं हूं इश्तियाक आलम और हम यहां बात करते हैं मेंस फैशन, हेयर केयर, स्किन केयर, लाइफस्टाइल टिप्स वगैरह के बारे में। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला सवाल, हेयर ऑयल का काम क्या होता है? हेयर ऑयल का काम होता है आपके बालों को नरिशमेंट पहुँचाना और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के आपके बालों को ब्रेकेज से बचाना। अब अलग अलग हेयर ऑयल का काम अलग अलग होता है। जैसे कुछ हेयर ऑयल्स होते हैं वो पेनिट्रेटिंग होते हैं, वो आपके बालों को पेनिट्रेट करके बालों के अंदर चले जाते हैं, और कुछ हेयर ऑयल्स होते हैं जो पार्शियली पेनिट्रेटिंग होते हैं, मतलब वो पेनिट्रेट करके थोड़ा तो अंदर जाते हैं लेकिन वो बालों के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना के एक सीलेंट का काम करते हैं जो मॉइस्चर को सील करता है। और कुछ हेयर ऑयल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पेनिट्रेटिंग नहीं होते, वो सिर्फ एक सीलेंट का ही काम करते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल, वो बेस्ट पेनिट्रेटिंग ऑयल है। फिर अगर पार्शियली पेनिट्रेटिंग ऑयल की बात करें तो उसमें आता है कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, ये सब। और मिनरल ऑयल और जोजोबा ऑयल या होहोबा ऑयल जो भी उसको बोलते हैं, ये सब सिर्फ सीलेंट का काम करता है, ये ज़रा भी पेनिट्रेट नहीं करता आपके बालों के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हेयर टाइप का। हेयर टाइप बेसिकली दो तरह का होता है जिसके बेसिस पर आपको हेयर ऑयल चुनना पड़ता है। पहला होता है लो पोरोसिटी हेयर, दूसरा होता है हाई पोरोसिटी हेयर। लो पोरोसिटी हेयर वो होता है जिसमें आपके हेयर क्यूटिकल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर टाइटली पैक्ड होते हैं। अब हेयर क्यूटिकल्स के बीच में ज़रा भी गैप ना होने की वजह से उसमें मॉइस्चर इंटर नहीं कर पाता, मतलब जो भी प्रोडक्ट या कुछ भी अपने बालों पे देते हैं आपका बाल उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वो ऊपर का ऊपर ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं लो पोरोसिटी हेयर। और हाई पोरोसिटी हेयर इसके अपोजिट है, उसमें क्यूटिकल्स उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। तो इसकी वजह से होता ये है कि वाटर, ऑयल या जो भी प्रोडक्ट हम अपने बालों में डालते हैं वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है क्योंकि आपके क्यूटिकल्स में गैप्स हैं तो मॉइस्चर जितना जल्दी ऑब्जॉर्ब होगा मॉइस्चर लॉस भी उतनी ही जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो गैप्स अभी भी हैं, वो गैप्स फिल नहीं हो रहे हैं। तो यह आपका हेयर टाइप है, ये कभी कभी चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से या फिर आपके डाइट वगैरह के हिसाब से, ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है लेकिन एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, बस थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप पता कैसे करोगे कि आपका हेयर लो पोरोसिटी है या फिर हाई पोरोसिटी है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लो पोरोसिटी हेयर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करता जल्दी से। तो अगर आप अपने बालों पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहे हो और आप देख रहे हो कि वो बहुत देर तक आपके हेड पे सिट कर रहा है, मतलब वो ऑब्जर्व हुआ ही नहीं है, जैसे लगाया था वैसे ही बहुत देर तक है, तो मतलब आपका लो पोरोसिटी हेयर है। और अगर वो ऑब्जर्व हो जा रहा है मतलब आपका हाई पोरोसिटी हेयर है, तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब आप समझ जाओगे इजीली। दूसरा तरीका है फ्लो टेस्ट करना। आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें अपना एक बाल, जब आपके बाल पे कोई ऑयल, कोई प्रोडक्ट कुछ भी ना लगा हो, बाल एकदम नेचुरल कंडीशन में, तब उसको अपना एक बाल उस पानी में डाल देना है और थोड़ी देर 4-5 मिनट के बाद आपको उसको देखना है। अगर बाल ऊपर ही फ्लोट कर रहा है मतलब लो पोरोसिटी हेयर है क्योंकि उसने वाटर अब्जॉर्ब ही नहीं किया है। अगर वो बाल थोड़ा सा डूब के नीचे चला गया है मतलब मीडियम पोरोसिटी है, मतलब उसने थोड़ा तो ऑब्जर्व किया लेकिन ज़्यादा नहीं किया, और अगर पूरा डूब चुका है मतलब हाई पोरोसिटी है, उसने बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब किया है। लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी भी ऑयल प्रोड्यूस करती है हमेशा, तो उससे होता ये है कि वो ऑयल हमारे बालों पर जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बालों पे ऑयल होता ही है। तो ऐसे में क्या होगा, ऑयल हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम ये होगा कि आपके बाल ऊपर फ्लोट करते ही रह जाएंगे, तो ये उतना एक्यूरेट नहीं है। तो बेस्ट होगा कि आप वो पहला वाला फॉर्मूला ट्राई करो, कुछ ऑयल प्रोडक्ट अपने बालों पर लगाओ और ऑब्जर्व करो कि वो
बालों में गया या नहीं गया वहीं पे है, तो इससे पता लगाना सबसे बेस्ट होगा। तो अब आपको पता है कि आपका हेयर लो पोरोसिटी है या हाई पोरोसिटी है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको चूज़ कैसे करना है अपने हेयर टाइप के हिसाब से हेयर ऑयल। तो अगर आपका हेयर लो पोरोसिटी है, मतलब वो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करता है, तो आपको हेयर ऑयल चाहिए जो हाई पेनिट्रेटिंग हो, आपका बाल ऑब्जर्व ना करे फिर भी ये पेनिट्रेट करके अंदर जाए और बालों को नरिश करे। तो हाई पेनिट्रेटिंग ऑयल होता है जैसे कोकोनट ऑयल या फिर आर्गन ऑयल। अब अगर आपका हेयर हाई पोरोसिटी है जो जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो आपको ऐसे हेयर ऑयल चाहिए जो पार्शियली पेनिट्रेटिंग हो और सीलेंट का काम करे, मतलब आपके बाल उसको इजीली ऑब्जॉर्व तो कर ले लेकिन ये उसको सील करके रखे ताकि मॉइस्चर लॉस ना हो बाद में। तो ऐसे हेयर ऑयल्स में आता है आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब वगैरह। और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा लाइट फील करो, आपको मॉइस्चर है बालों में काफ़ी, तो आप सिर्फ सीलेंट ले सकते हैं जैसे होबा ऑयल या जोजोबा ऑयल, जो भी इसको बोलते हैं वही वाला। अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो मैंने बोला था कि मैं एंड में रिकमेंड करूंगा, वो प्रोडक्ट जो इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल है और मुझे लगता है कि वो सही है क्योंकि उसमें कुछ केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं डाले गए हैं। तो अगर आप कोकोनट ऑयल लेने वाले हो तो आपके लिए क्या ऑप्शंस है, आप ले सकते हो डाबर का अनमोल गोल्ड प्योर कोकोनट ऑयल और पैराशूट का प्योर कोकोनट ऑयल। अगर आप इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो उसमें सिर्फ कोकोनट ऑयल ही है और कुछ भी नहीं है, और वही तो हमें चाहिए। आर्गन ऑयल के लिए आप ले सकते हैं खादी का आर्गन ऑयल, एकदम नेचुरल है, केमिकल फ्री है, मैं भी पर्सनली यही यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप सत्य नेचुरल्स का कोल्ड प्रेस्ड आर्गन ऑयल ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सबसे अच्छा होता है। आमंड ऑयल के लिए आप ले सकते हैं डाबर का बादाम तेल, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है। और दूसरा ट्राई कर सकते हैं वो है हमदर्द का रोगन बादाम शिरीन। अगर आप इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो इस पे लिखा है 100% स्वीट आमंड ऑयल, मतलब इसमें और कुछ भी ऐड नहीं है और वही सबसे बेस्ट है। कैस्टर ऑयल के लिए आप ले सकते हैं मामा अर्थ का कैस्टर ऑयल, इसके पैक का आपको दिख जाएगा 100% कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल। दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं प्योर एंड श्योर का ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल, अगर आप इसका पैक देखोगे तो इसमें सिर्फ कैस्टर ऑयल ही मेंशनड है और उसमें कुछ भी एडेड नहीं है। मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चाहे तो कोई भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लेने से पहले आपको बस उसका इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहिए कि उसमें कोई भी केमिकल, फ्रेग्रेंस या फिर प्रिजर्वेटिव्स ये सब ना डाले गए हों। तो जब भी आप प्रोडक्ट खरीदें तो उससे पहले आप ये लिस्ट जरूर चेक करें कि ये सब उसमें ना डाला गया हो, क्योंकि ये आपके स्कैल्प और हेयर दोनों के लिए ख़राब होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये अब आपको एक अच्छा हेयर ऑयल चूज़ करने में हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।